स्तर पर धधकने लगी काटाबाजी। जिले की मांग, ओडिशा काटाबाजी निर्वाचन मंडली को राजस्व जिला बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पहुंची 25वें दिन में। वहीं अब तक सैकड़ों संस्था संगठन समाज के सदस्य काटाबाजी जिले की मांग को लेकर धरने में हो रहे हैं शामिल। कुछ दिनों में काटाबाजी जिले की मांग को लेकर कर्ण समाज, अवसर प्राप्त कर्मचारी संघ, काटाबाजी एनएससी के चेयरमैन सहित काउंसिलर, मारवाड़ी युवा मंच, आजाद क्लब, सिनेमा चौक, गणेश उत्सव कमेटी के सदस्य, अग्रवाल सभा ट्रस्ट, युवा यादव समाज, ब्राह्मण समाज, लखे घर, गंडा समाज, ठेकेदार संघ सहित बंगो मुंडा और तुरेकेला विकास खंड के गणमान्य व्यक्ति विशेष भी धरने में शामिल होकर काटाबाजी जिले की मांग में अपनी उपस्थिति प्रदान कर चुके हैं। जानकार और काटाबाजी जिला संघर्ष समिति के आंकड़ों के मुताबिक काटाबाजी निर्वाचन मंडली की भौगोलिक परिसीमा 2622 वर्ग किलोमीटर की है। वहीं 2011 जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या है 3,36,528। सरकारी राजस्व की बात की जाए तो काटाबाजी निर्वाचन मंडली से सालाना 48,26,65,567 रुपए सरकारी खजाने में जमा होते हैं। ओडिशा सरकार के अन्य विभागों के राजस्व की तुलना काटाबाजी निर्वाचन मंडली से की जाए तो देवगढ़, नुआपाड़ा, बौद्ध, सोनपुर जिले के मुकाबले काटाबाजी निर्वाचन मंडली अधिक राजस्व सरकार को मिलती है। इन सब आंकड़ों के अलावा काटाबाजी जिला क्यों होना चाहिए, लोगों की क्या राय है, आइए सुनते हैं। ओडिशा से कुशल सिंह ठाकुर। सबसे पहले काटाबाजी की जाए, काटाबाजी जो एक डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए ये एक जेन्युइन डिमांड है और हम आज मारवाड़ी युवा मंच काटाबाजी और आजाद क्लब काटाबाजी शाखा की तरफ से सारे मेंबर्स यहाँ इस जिला संघर्ष समिति के साथ जुड़े हैं इस जेन्युइन डिमांड को सरकार के सामने रखने के लिए। और हम पूरी जोश से ये कहना चाहते हैं सरकार को कि काटाबाजी जिला बनना चाहिए हर दृष्टिकोण से, चाहे वो राजस्व के दृष्टिकोण हो, चाहे ज्योग्राफी के दृष्टिकोण हो, हर दृष्टिकोण से काटाबाजी जिला बनने के लायक है और सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए और हमारी इस डिमांड को पूरा करना चाहिए। आज आमे करोना समाज स्तर कंटाबाजी करण समाज तरफ से दावी को संपूर्ण रूपे पूर्ण मात्रा समर्थन जन आसी आम धारणा जोग देम आपणम सरकार दाबी रखुचु जे या कंटाबाजी अंचल लोकों पर एक न्याय दाबी अच्छी जो दाबी एम उठाई से आम पूर्ण समर्थन अच्छी कंटाबाजी को तुरंत जिला मान्यता दे जिला घोषणा कर। अगर पुराना देखा जाए एक बिजनेस कम्युनिटी लोग काटाबाजी को बिजनेस सेंटर के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर चाहे रेलवे हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो, हर एक दृष्टिकोण से काटाबाजी जिला बनने के लायक है। तो ये एकदम जेन्युइन डिमांड है कि काटाबाजी को जिला बनाया जाए और इसके लिए आज़ाद क्लब या मारवाड़ी युवा मंच और गाँव की सभी संस्था इसका सपोर्ट कर रही है। और हम जब तक सरकार ये मान नहीं ये दावी पूरा नहीं करती जिला संघर्ष समिति के साथ खड़े हैं। The Sangharsh Committee is now in strike for demanding that Kantabanji as a district is a genuine ground, and I support the Sangharsh Committee of Jilla, and because Kantabanji is a very genuine ground for this district, and moreover Kantabanji is having all the feasibility to be declared as a district. काटाबाजी जिला बनने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। यहाँ पर सभी प्रकार के साधन हैं, रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छा है, लैंडेड प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा है कि अपन डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। और काटाबाजी के जितने भी संस्थाएं हैं सभी संस्थाएं अपने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर पुरजोर से ग्राउंड लेवल से इसकी मांग हो रही है। हमारा MP कलिकेश जी बोल चुके हैं तुरेकला में, इसके लिए एक तो पार्लियामेंट में कमेटी होगा, अभी वो MP साहब अभी गए हैं अभी इस सीजन में, वो एक तो क्वेश्चन करेंगे एक तो कमेटी बनाने के लिए। वो कमेटी तय करता है कहाँ डिस्ट्रिक्ट होगा, तो पहले कमेटी बनेगा, उसके लिए कमेटी यहाँ आएगा और भी कहीं कहीं जगह जब जहाँ भी डिमांड है वहाँ पर जाएगा, जहाँ भी फिटिंग होगा वहाँ बनेगा।